प्राथमिक विद्यालय में स्कूली व्यवस्था से नाराज दर्जनों अभिभावकों ने स्कूल में जमकर किया बवाल। भागलपुर जिले के नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में गाछी टोला अभिया में स्कूली व्यवस्था से नाराज दर्जनों लोगों ने आज स्कूल में जमकर बवाल किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक कभी 11 तो कभी 12 बजे आते हैं, कभी आते ही नहीं। आने के बाद फोन पर लगे रहते हैं। मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। रसोई घर की हालत बद से बदतर है। बच्चों के कक्षा में जलावन रखा हुआ है। बाथरूम जर्जर स्थिति में है। स्कूल आने के बाद बच्चे बाहर ही खेलते मिलते हैं, कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बात को खुद प्रभारी प्राचार्य रीता देवी भी मानती हैं कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलता है। उनका कहना है कि बारिश के कारण मध्याह्न भोजन खराब होता है। उन्होंने ये भी कहा कि समय पर शिक्षक नहीं आते हैं। हम कहते हैं समय पर आने के लिए, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं। चार नंबर आपका कौन सा स्कूल है ये? क्या है आप इस स्कूल के? तो ये चावल गेहूं वाला क्या ग्रामीणों का आरोप है कि कीड़ा उड़ा लगा हुआ बढ़िया नहीं है? आरोप है कि ढेर मंगवाते हैं वेंडर द्वारा, इसलिए क्या है? उसमें बोल रहा है खराबी है कि उसमें क्या है, तो वर्षा के समय स्कूल बंद होता है, खुलता है। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण जो बोल रही है, शिकायत है कि यहाँ शिक्षक लोग समय पे नहीं आते हैं। समय पे आते हैं शिक्षक लोग? नहीं आते हैं। तो क्या कैसे बच्चों में शिक्षा होगा अगर समय पे ही नहीं आ रहे? शिक्षा कैसे पढ़ेगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? प्रभारी आप है तो किसका जवाब देंगे? क्या ये आपको लग रहा है कि ये शिक्षा के बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए पढ़ाई तो यहाँ पे टीचर का सबसे पहला तो कमी है। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? यहाँ पे दो टीचर हैं और दो मैडम हैं, जिसमें एक प्रधानाध्यापक हो गए, और यहाँ पे 6 क्लास तक है। आपने आप लोगों ने तालाबंदी किया था 1 घंटे तक, किस लिए? उसमें दो टीचर हमारे जो है ना, वो 10 बजे के लॉकडाउन में आए हुए, तो उनका तो जो टाइम है उस टाइम पे आना चाहिए उसको, डेली डेली वो लेट ही करके आते हैं। कल की बात है, कल 15 अगस्त था, हमारे टीचर कोई भी जो है कि संबोधित नहीं कर पाए कि आज क्या है, कौन सा दिवस है, तो वो बच्चे को क्या 2-4 शब्द भी नहीं बता पाए, और बच्चे हमारे क्या सीखेंगे। अब यहाँ का खाने पीने का मध्याह्न भोजन क्या व्यवस्था है? तो बहुत कमजोर स्थिति में, चूंकि जब जांच उच किए ना तो देख रहे हैं सब खाना में पिल्लू वगैरह। देखे जो रसोई घर है उसका छत भी नहीं है। हाँ, आप लोगों ने कभी यहाँ प्रधानाध्यापक से बोला था? बहुत बार बोला गया था। क्या बोले थे वो? तो हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके लिए निमंत्रण आएगा, आवंटन आएगा, तब पैसा वैसा नहीं आता है, तो इस कारण से हम नहीं कर पाते हैं। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं क्या? जी हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं यहाँ पे। किस क्लास में पढ़ते हैं? एक आदर्श है। क्लास का नाम बोलिए। क्लास 5 क्लास में, 4th क्लास में। आपका नाम? मेरा नाम शशि कुमार मंडल। मामला क्या है स्कूल का? स्कूल का मामला है क्या, ये लोग जो है टीचर लोग 11 बजे किसी दिन, किसी दिन 12 बजे आता है, किसी दिन 10 बजे आता है, वो अपने से हाजिरी भरता है। 3 बजे आता है। कल जो 15 अगस्त था, कल आया, मतलब झंडा भी नहीं फहराया, टीचर लोग चला गया। यहाँ पढ़ाई का क्या व्यवस्था है? पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं आता है, दिन भर मोबाइल देख के मोबाइल में इंजे रहता है मास्टर लोग, और वो बच्चे को ध्यान नहीं देता है। बच्चा लोग कहीं चल जाएगा, मतलब स्कूल से सारा बच्चा बाहर में रहता है। अभी सुबह से धोपे है, तब शिक्षक आते क्या? अभी शिक्षक का कोई लिमिट नहीं है, 10 बजे 11 बजे आएगा कि 9 बजे आएगा, कोई टाइम को उसका कोई फिक्स ना है। पढ़ाई का व्यवस्था तो सही नहीं है, सही नहीं खाने है, पीने पढ़ाई का व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। खाने पीने का क्या है? खाना बनाएगा, मतलब जैसे उतारेगा तुरंत थाली में परोस देगा, वो बच्चा लोग खाएगा
बाथरूम सब कुछ है। बाथरूम का पूरे गंदे बाथरूम है, बाथरूम आप लोग देखवे किए है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ।